Hello guys, I hope you are doing well. I'm Gayatri. Welcome back to my channel Gayatri's Creative Diaries. आज के वीडियो में हम जो पुराने प्लास्टिक के गमले रहते हैं उनको डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह का वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने सिंपल पेंटिंग टेक्निक सिखाए थे कि जो पुराने गमले हैं वो किस तरह से हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो सब बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेंटिंग नहीं, कुछ और भी टेक्निक्स देखनी है हमें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेंटिंग तो होगा ही, लेकिन सिंपल तरीके से डिफरेंट टेक्निक से हम किस तरह से पॉट को डेकोरेट कर सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो टेक्निक होगा वो डेकोपाज टेक्निक होगा, बहुत ही आसान है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ के पॉट्स लिए हैं। तो अभी ये नया है तो इसको मैं पहले बेस कलर नहीं करना चाहती, क्योंकि जो मैं डेकोपाज टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ तो उसका काइंड ऑफ बेस कलर मुझे ब्राउनिश ही चाहिए था। अगर आप जो भी डेकोपाज करना चाहते हैं उसके हिसाब से बेस कलर आप चूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये डेको मैजिक का जो ग्लू है डेकोपाज के लिए, तो वो यूज़ किया है। ये दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ये इत्सी बित्सी से परचेज़ किया था। तो सिंपली आपको एम्पल अमाउंट में जो वो ग्लू है वो लगाना है, और जो टिश्यू है उसके दो लेयर्स होते हैं वो निकाल के आपको ऊपर वाली लेयर स्टिक करनी है। तो इसमें थोड़े से बबल्स आते हैं तो टिश्यू पेपर खींच के थोड़ा सा लगाइए तो ये ठीक अच्छे से लग जाता है। तो इसी तरह से वो पूरा कवर करना है, और यहाँ पर फैन ब्रश की हेल्प से मैं वो सारे बबल्स निकाल रही हूँ, और ये थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर करेंगे हमारा डेको मैजिक का ग्लू से, तो वो एक टाइप ऑफ कोटिंग हो जाएगा उसको थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली बॉर्डर है गमले की, तो उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का ऑयल पेंट से ब्लैक कलर कर दूँगी। तो दैट्स इट। ये इजी और सिंपल डेकोरेटिव हैक है आपके पुराने पॉट्स को डेकोरेट करने के लिए। डायरेक्ट प्लांट नहीं लगाया है मैंने, छोटा वाला जो गमला रहता है वो उसमें अंदर रख दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम जो गमला है उसको हम डेकोरेट करेंगे स्टेंसिल्स की हेल्प से। तो अगर आपने देखा होगा मैंने रिसेंटली ही शेयर किया है कि हम घर पे ही स्टेंसिल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो भी गमला है उसको मैंने स्प्रे पेंट किया है। स्प्रे पेंट करने से क्या होगा, वो तो एक तो ये ऑयल बेस्ड रहता है और जल्दी सूख भी जाता है। आप यहाँ पर इनामल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, स्प्रे पेंट से ये जल्दी सूख जाता है। तो वाइट बेस कर दिया है। अब मैं लूँगी एक स्टेंसिल्स जो मैंने पिछले वाली वीडियो में शेयर किया है किस तरह से मैंने बनाया है, और ये ब्लू कलर से स्पंज की हेल्प से डैप करके इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही आसान और सिंपल वे में हम स्टेंसिल्स बना के इस तरह से कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर वाला जो डिज़ाइन है वो मैंने चूज़ किया है, और रॉयल ब्लू कलर है ये, बहुत वाइट कलर के ऊपर निखर के आता है। और जो बॉर्डर है उसको भी सेम ब्लू कलर से मैंने पेंट कर दिया है, और ये है फाइनल रिजल्ट उसका। बहुत ही सिंपल है ना, और बहुत ही एलिगेंट दिखता है। नाउ कमिंग टू अवर थर्ड आइडिया, इसके लिए मैंने यूज़ किया है हॉट ग्लू गन। तो इसे मुझे बहुत दिनों से ये मुझे ट्राई करना था, तो इस वीडियो में भी हम ट्राई करते हैं। तो क्या किया है मैंने, जो मेरा गमला है पुराना जिसमें ऑलरेडी प्लांट लगाया है उसके ऊपर मैंने इस तरह से हॉट ग्लू गन से कुछ डिज़ाइन के पैटर्न्स बनाए हैं। तो हॉट ग्लू गन क्या होता है, प्लास्टिक के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाता है, लेकिन आप उसे इजीली निकाल भी सकते हैं अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप इसके साथ जो भी डिज़ाइन आप करना चाहते हैं।
तो सिंपली मैंने इस तरह से स्पाइरल शेप का पैटर्न्स बीच में किया है और नीचे की तरफ कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ किए हैं। अब मैं इसे भी स्प्रे पेंट करूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी ब्लैक स्प्रे पेंट, तो जो भी हमने ग्लू गन से पैटर्न बनाया है वो निखर के आएगा और 3D लुक देगा जो भी डिज़ाइन है उसका। तो पूरा मैंने गमला है वो ब्लैक स्प्रे पेंट से कलर कर लिया है और इसको सूखने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं थोड़ा सा गोल्ड एक्रेलिक कलर लूँगी और स्पंज की हेल्प से स्क्रब करूँगी जो भी हमने पैटर्न्स बनाए हैं, तो थोड़ा सा एंटिक लुक टाइप उसका फील आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में इजीएस्ट मेथड्स दिखाए हैं। सो नाउ कमिंग टू अवर फोर्थ आइडिया वेर वी यूज़ द ट्रांसफर शीट्स। तो इसको पहले ही मैंने सिर्फ सिंपली वाइट स्प्रे पेंट से मैंने इसको पेंट किया है। तो ये इस तरह की ट्रांसफर शीट्स मिलती है आपको, ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और बहुत ही आसान होती है यूज़ करने। इसके पीछे जो भी इंस्ट्रक्शंस भी लिखे रहते हैं, तो मैंने यह क्या किया है सिंपली उसको रैंडम वे में कट किया है एज पर डिज़ाइन और देखूंगी कि किस तरह से उसको रखना है। और उसके ऊपर वाली लेयर में एक प्लास्टिक का थिन लेयर होता है, वो हमें निकालना है और उसको स्टिक करना है। जो स्टिकी वाली साइड रहती है उसको आपको स्टिक करना है और पीछे वाला साइड जो रहता है पेपर वाला, तो उसके ऊपर स्पंज की हेल्प से, जो स्पंज है मैंने वो वेट किया हुआ है, आपको सिंपली उसके ऊपर पानी लगाना है। आप कपड़े की हेल्प से भी पानी लगा सकते हैं इस तरह से, और वो गीला हो जाएगा पूरा और जो हमारी इमेज है वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से। तो आपको एक ही डायरेक्शन में जो पीछे वाला पेपर है उसको खींचना है, नीचे वाले डायरेक्शन में खींच के उसको इस तरह से निकाल देना है। तो ये आसानी से कोई भी सरफेस पे आपका जो भी इमेज है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा और इजी मेथड है ट्रांसफ़र शीट्स। मैंने भी पहली बार यूज़ किया है ट्रांसफ़र शीट और आई एम लविंग द वे इट इज़ लुकिंग। बाद में मैंने क्या किया कि इसको जो भी सिमिलर टोन का जो बेस कलर होगा, जो भी डिज़ाइन आपने ट्रांसफ़र किया है, वो बेस कलर लेके पूरे गमले को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया, तो वो एक मैच हो जाएगा, एक ही जैसा इमेज लगेगा, दैट्स व्हाई। और ऊपर वाली बॉर्डर वाइट ही रख दी है मैंने, तो ये इस तरह से उसका फाइनल रिजल्ट होगा। बहुत ही आसान मेथड्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं। ये वीडियो आपको किस तरह से लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और कौन सी मेथड आप ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं वो भी मुझसे शेयर कीजिए। अगर कौन सा भी मेथड आप ट्राई करते हैं तो मुझे उसका रिजल्ट इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऊपर भी मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी। वहाँ पर भी मैं नए DIY शेयर करती हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड also turn on the bell notification, तो आपको मेरे नए videos के notification मिलते रहेंगे। So thanks for watching, see you in my next video, bye bye.